हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं, और मैं आज अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा ओपन फ्लेम रॉक एंड रोल हीटिंग सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने हॉट एयर सर्कुलेशन हीटिंग सिस्टम के बारे में बात की थी रोटेशनल मोल्डिंग में। आज हम बात करेंगे ओपन फ्लेम रॉक एंड रोल हीटिंग सिस्टम के बारे में। इसमें क्या करते हैं, ओपन फ्लेम में हम जो मोल्ड होता है हमारा, उसको ओपनली, मतलब मोल्ड हमारा बंद रहेगा, उसको बाहर से हम क्या करते हैं, जो गैस बर्नर हम उसमें फिटेड करते हैं असेंबली में, और जो गैस बर्नर होते हैं वो ओपनली उसको क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। जबकि जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें हमारा क्या रहता है, वो चैम्बर क्लोज रहता है, बंद रहता है। इसमें हम गैस बर्नर से जो फ्लेम होती है उस फ्लेम द्वारा इसको हीट करते हैं। इसका फिगर देख लेते हैं। यह हमारा रॉक एंड रोल हीटिंग सिस्टम, जिसमें यह हमारा बेस है, ये हमारा मोल्ड है, और ये हमारा मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस हमारा क्या करता है, जो मोल्ड है उसको, जैसे ये हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसको इस तरह से रोटेट करेगा। ये हमारा मेजर एक्सिस, इसलिए इसको हम रोकिंग मोशन भी बोलते हैं। और ये जो हमारा है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस में क्या होगा, हमारा इस तरह से मोशन होगा, इस तरह से रोटेट होगा मोड, जो मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, यहाँ पर इस तरह से मोड रोटेशन में रहेगा, और इधर से इस तरह से, इसको हम रोलिंग मोशन कहते हैं। इसी वजह से इसको हम रॉक एंड रोल हीटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ये हमारी फ्लेम्स लगी होंगी दोनों साइड में, गैस बर्नर जो डायरेक्टली गैस से कनेक्टेड होंगी और ये बर्न हो रही होंगी, इसलिए इसको हम ओपन फ्लेम बोलते हैं, क्योंकि ओपनली हम इसको गैस बर्नर द्वारा मोल्ड को हीट अप करते हैं।
ये हमारा सिस्टम जो है ओपन फ्लेम रॉक एंड रोल हीटिंग सिस्टम कहलाता है। अब हम बात करते हैं अपना थर्ड हीटिंग सिस्टम यानी कि हॉट ऑयल जैकेटेड हॉट ऑयल जैकेटेड हीट सिस्टम। ये हमारा अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम हॉट ऑयल को जो मोल्ड है उसी में हम अरेंजमेंट करते हैं, जिसमें हॉट ऑयल को हम क्या करते हैं मोल्ड के अंदर पास कराते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो मटेरियल होता है वो हम पाउडर फॉर्म से मेल्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको फिगर द्वारा समझ लेते हैं। ये हमारा ऑयल जैकेटेड हीटिंग सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा मोल्ड है जिसमें हम पाउडर फॉर्म में मटेरियल को इसमें फिल करते हैं और उसके बाद इसको क्या कर देते हैं सील कर देते हैं या बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद क्या करते हैं, जो यहाँ पर हीटर होता है हमारा लगा हुआ उससे हम हॉट ऑयल को यहां से पास कराते हैं। यहां तक हमारा हॉट ऑयल हीटर होता है, इससे हम क्या करते हैं जो ऑयल हमारा हीटअप हो जाता है उसको हम मोल्ड में पास कराते हैं। जो मोल्ड के अंदर ये सिस्टम होता है इसमें यहां से हमारा मोल्ड में पूरे मोल्ड को इसको कवर करता है।
कवर करते हुए इसको हीट करने के बाद में ये यहाँ से वापस दोनों साइड से हमारा रिसाइकल हो जाता है, वापस आ जाता है हमारा ऑयल हीटर चैम्बर में, और यहाँ से ये कंटिन्यूसली इस तरह से सर्कुलेशन में रहता है। और ये जो मोल्ड होता है ये हमारा क्या रहेगा, बाय एक्चुअली रोटेट होता रहता है, जिससे हम टैंक या जो भी हॉलो आर्टिकल है उसको फॉर्म करते हैं। ये था हमारा हॉट ऑयल जैकेटेड हीट सिस्टम, ओपन रॉक एंड रोल हीट सिस्टम, और इससे पहले मैं आपको बता चुका था हॉट एयर रिसर्कुलेटिंग हीटिंग सिस्टम।